हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनु फ्रॉम अंडमान लवर चैनल। एंड ये दोनों शानदार फेस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नए फेस हैं और इन्हें क्या बोलूँ मैं कि दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या हस्बैंड वाइफ है, ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के लिए डाल दिया है कि यू कैन पोस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है, क्योंकि ये आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या है, ये हस्बैंड वाइफ हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या है, ठीक है। तो आई विल नॉट टेल यू टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, यू हैव एनफ टाइम टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज, दिस इज़ द प्लेस वी आर स्टैंडिंग इज़ राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो कपल मिला है मेरे को, लवली कपल मिला है, ये इन्हीं से पूछेंगे हम कैसे रहा। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर आदित्य एंड दृष्टि। तो आप बताइए कि आदित्य आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ वडोदरा गुजरात से, एंड दृष्टि जो है वो बिलोंग करती है जामनगर गुजरात से। और क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली अभी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो फर्म है उसमें काम करता हूँ। हम लोग सारी जो कमोडिटीज़ रहती है उसको एक्सपोर्ट कराते हैं, जिसके कोई मैन्युफैक्चरर है उसको कुछ एक्सपोर्ट कराना है कराते हैं। तो आप यहाँ भी एक्सपोर्ट करने आए हैं कुछ या फिर यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, यहाँ पर मैं घूमने आया हूँ, मेमोरीज कलेक्ट करने आया हूँ, और मेमोरीज़ यहाँ की जो है, यहाँ जो ब्यूटी है उसको इम्पोर्ट करने आया हूँ मैं यहाँ पर। तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है जो इस समय ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे, अभी जो देखेंगे जब हम अपलोड करेंगे, क्या ये कपल और अंडमान लवर आपस में कैसे मिल गए, क्या कहानी है, तो ये जरा आप बताइए, क्योंकि मेरी वीडियो जो रहती है अनकट रहती है, राइट, और उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं रहती है, तो लोग भी समझे आप कैसे जुड़े हमारे साथ, कहाँ तक कैसे पहुँचे। तो एक्चुअली कैसा था कि मैंने सोचा था कि अंडमान जो है घूमने जाना है इन अक्टूबर नवंबर 2021। बट देन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें उसको चेंज हो गया, नहीं हो पाया, प्लान नहीं हो पाया, उसको चेंज किया। बट देन जनवरी में फाइनल मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, और तब जाके थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस देखा, बहुत सारे वीडियोस थे। आप सिर्फ अंडमान सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियोस मिलेंगे आपको, बट सारे वीडियोस में जो एक चीज़ स्टैंड आउट कर रही थी वो मनु जी के वीडियोस थे। बिकॉज आपको ऑब्वियसली अंडमान जाना है तो आपको अप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वो अप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके चैनल से मिले, एंड दैट वाज द की मोमेंट जहाँ पर मैंने सोचा कि यार ये जो चैनल है, ये जो भाई साहब है, ये जो वीडियोस बनाते हैं वो अप टू द पॉइंट है एकदम। मतलब आपको, आप 10 मिनट वीडियो देखोगे आपको लगेगा नहीं कि 10 मिनट जो है वो आपके वेस्ट गए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हमारे व्यूज़ बहुत कम है आदित्य, है ना, आई डोंट नो, व्यूज़ कम है। वो व्यूज़ कम इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो है वो अंडमान आते हैं तब तक वीडियोस देखते हैं, उसके बाद अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। बट ऐसा मत कीजिए, अंडमान आए हो देखो, उसके बाद भी उसको फॉलो करो, देखो कि उसके आपके जाने के बाद भी अंडमान में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें हैं, तो आपको भी पता लगेगा। कभी आपके कोई रिलेटिव्स है, आपके कोई फ्रेंड्स है जिसको जाना रहेगा तो आप उनको रेफ़र कर पाओगे, विच इज़ अ गुड थिंग। आप एक बार जाने के बाद, यहाँ से आपका टूर ख़त्म हो जाने के बाद, अनसब्सक्राइब मत कर दीजिए, जो है उनको फॉलो करते रहिए, उनके जो अपडेट्स है वो लेते रहिए, तो आपके लिए अच्छा है, आपके दूसरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए भी अच्छा है वो। दृष्टि, आपका क्या ओपिनियन है, आपने देखी कोई वीडियो हमारी या नहीं देखी? हाँ, मैंने भी आपकी बहुत वीडियो देखी है। देखी थी? हाँ देखी थी। तो आपको, अभी देखो हम मिल गए हैं, अब से पहले हम वीडियो में थे, हाँ। आप वीडियो से भी जानते, तो हमने एक बाय द वे एक इवनिंग साथ बिताई है और चाय कॉफ़ी हमने पी है बैठ के, बढ़िया से हमने टाइम बिताया है। तो दृष्टि, आपको क्या लगा कि ये जो वीडियो आपने देखी ये फेक रहा है और जो मिला है वो बराबर है, दोनों सेम है? दोनों सेम है, दोनों, उसमें कोई फेका फाकी तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। और तो जैसे आदित्य ने बताया कि आपको कनेक्ट में रहना चाहिए, राइट, और मैंने इनको कुछ और एडवाइसेस भी दिए हैं, क्योंकि क्या है, हम लोग पूरा ट्रिप तो साथ नहीं कर पाए लेकिन पार्शल ट्रिप किया इनका लास्ट मोमेंट पे। मेरे को लास्ट मोमेंट पे एक्चुअली कैसा था कि मैंने जो है वो ट्रिप पहले प्लान कर लिया था, इनके वीडियोस देख रहा था, बट देन इनको जो मैंने कनेक्ट किया वो काफ़ी लेट से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से मैं पूरा ट्रिप जो है वो इनके साथ प्लान नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए, क्या कब करना चाहिए,
वो जो है वो मेरा रह गया था। बट एनीवेज थोड़ा लेट से तो लेट से मेरा इनके साथ कांटेक्ट हो पाया, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ हेल्प रहा मुझे। मेरा जो ट्रिप प्लान था उसमें भी कुछ जो चीज़ें थी जो इम्प्रूव करने लायक थी, जो इनपुट्स उनको देने चाहिए थे, काफ़ी सारे इन्होंने दिए हैं इनपुट्स, जिसकी वजह से जो मेरा ट्रिप है अच्छा था उसको बहुत अच्छा कर दिया है। तो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक आपका ट्रैवल एजेंट जो है उसको नहीं पता रहेगा, जो एक लोकल बंदा है उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, क्योंकि वो रोज़ यहाँ आता है, रोज़ यहाँ रहता है, उसको ज़्यादा पता रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वडोदरा से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है वडोदरा में कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए और कौन सी चीज़ कब नहीं करनी चाहिए, तो ये एक चीज़ है। बट हाँ, वो एक मुझे रह गया है कि मैं जो है पूरा ट्रिप आपके साथ प्लान नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तब पक्का आपसे प्लान करेंगे। क्योंकि ये अभी साउथ अंडमान ही जा रहे हैं ट्रैवल, और पूरा अंडमान का ट्रिप जो है वो 20 से 25 दिनों में होता है। राइट, तो ऑब्वियसली अब तो ये हम लोग फ्रेंड्स बन गए हैं। राइट, क्योंकि मेरा भी मैंने बताया, कल भी एक कपल आया था जो आपने देखा होगा गुजरात से था, और ये भी गुजरात से हैं, और एक और कपल गुजरात से आने वाला है। तो मेरा स्टे और गुजरात वालों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी तो थोड़ी देर बाद मैंने इनको सजेस्ट किया लाइट एंड साउंड, ये जा रहे हैं लाइट एंड साउंड के लिए, कल हैवलॉक निकल जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूबा के लिए इनको तरीका बताया है किस तरीके से करना है, क्या करना है, और इनका ईमेल आया था मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा ईमेल था, तो पहले मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ, लेकिन देन एनी हाउ वी कनेक्टेड बिकॉज ही रियली गिव द ड्यू रेस्पेक्ट एंड ही वॉज जेन्युइन इन राइटिंग। सो हमने किया इसके साथ और हमें अच्छा लगा। और बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क कौन से लेते हैं आपको अंडमान आके कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा। अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक तो अच्छा, अभी तो एक ही दिन हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है, जैसा और, भी हाँ, और इनसे मिलके और भी अच्छा लग रहा है तो ऐसे हम ऐसे तो नहीं लग रहे पहली बार मिले सब लोग और इन्होंने बोला कि मैं भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कुणाल का बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन था, कुणाल ने कहा आपके चिक्स बॉल और ये ना बहुत मोटे मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों का मुझे बहुत बढ़िया कमेंट मिला है, अपने मुंह से नहीं कहूँगा, ये सुनाएंगे। देखो आपने अगर इनसे पहले कोई वीडियोस देखे हैं इनके तो आपको डेफिनेटली लगा होगा कि जो वीडियो है वो ऐसे लिए गए हैं, और उसमें अभी जैसे मैं भी एकदम से मेरे 20 किलो वजन बढ़ गया वैसा लग रहा है। तो जो है वो उनको भी जब मैंने रियल में देखा तो लगा कि यार ये जो वीडियो में है वो अलग बंदा है और रियल में जो अलग बंदा है, कि वीडियो में काफ़ी उनका फेस जो है वो बहुत मोटा सा दिखता है लेकिन रियल में काफ़ी फिट है, लगता है स्विमिंग भी रोज़ करते रहेंगे, यहाँ पे डुबकी मारते रहेंगे तो काफ़ी फिट है तो ये वाली वीडियो जो है ना मेरी फैमिली और मेरी वाइफ देख के बहुत खुश होगी क्योंकि वो मेरे को डंडा लेके रोज दौड़ाती है। तो गाइस हमारा भी टाइम पूरा हो रहा है और ये छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी और इस लवली कपल के लिए, कौन है ये कपल आपको बताना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ या क्या, ठीक है? ये दे आर वेरी क्यूरियस। से बाय बाय, चलो सी यू सो सी यू।